अब मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई मतलब बाल बच्चे के बाल बच्चे लोग ये काम करें। अभी सैलरी वही 7,500 रुपया दिया जा रहा है। 7,500 रुपया आप लोगों को मिलता है? हाँ, 7,500 रुपया में क्या होता है, 30 साल करीब हो गया। 30 साल जी, 30 साल से आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं जी। अब यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर मैं बस आधे ही घंटे से खड़ा हूँ, आधे ही घंटे से मैंने काशी की शुरुआत की है और मेरे सर में एक अजीब सी दर्द होने लगी है। कभी कभी 10 दिन 5 दिन 4 दिन पुराना बॉडी आ जाता है, बदबू रहता है, कीड़ा लगा रहता है, तो उसमें अल्कोहल हमको उपयोग करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जब अकाल मृत्यु होती है जी, कोई गाड़ी चला कर जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, कार से जा रहा है जी, और उसकी मतलब एक्सीडेंट में उसकी जान चले जाए जी, उसका आत्मा उसके शरीर को ढूंढता है जी, शरीर पर वापस प्रवेश करना चाहता है जी, जब वो लाश यहाँ पहुँचती है तभी कभी आपने किसी परछाई को देख लिया हो, किसी रूह को देख लिया हो आपने? आप विश्वास नहीं करोगे, हम डेली चीर फाड़ करते हैं, हमारे जगह में अगर सिंपल आदमी खड़ा हो जाए तो एक हफ्ते में बीमार हो जाएगा। तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बहुत सारे बॉडी रहते हैं तो मैं बोल देता हूँ भाई बाहर में मैं करता हूँ, खुले आम पोस्टमार्टम देख लेना, बोल रहा हूँ आप चुपचाप बैठ जाओ। सोचते हैं कि भाई कोई त्यौहार उहार आया तो कोई पोस्टमार्टम मत हो, हम भी त्यौहार मना लें, हम भी आशा में हैं, आज नहीं तो कल हमारा भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो 2 पैसा हम अपने बाल बच्चे लोग को दें। हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है ये बात आप लोग जानते हैं। भारत का हर चौथा युवा नौकरी की तलाश में है। ऐसे में अगर आपको एक काम दिया जाए और वो काम हो कि आपको प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन आपको लाश को अपने हाथ से छूना है, तो ये वाक्य सुनने मात्र से आपके शरीर में एक डर का भाव पैदा हो जाएगा, आपके शरीर में एक अभिन्न सी झुनझुनी पैदा हो जाएगी। तो जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं उनकी स्थिति, उनकी हालत, उनकी मनोहालत कैसी होती है, इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और जो प्रथम मैंने आपको दृश्य दिखाए हथौड़े के, ये पोस्टमार्टम ग्रह है। इस पोस्टमार्टम ग्रह में हर दिन पता नहीं कितने ही लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है और वो पोस्टमार्टम करते हैं काशी जी, जो कि इस वक्त उसी ग्रह पर, इसी जगह पे मौजूद हैं, उसी ग्रह पे मौजूद हैं, और ये वही ग्रह है जहाँ पर लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो मेरे साथ काशी जी मौजूद हैं। काशी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। पोस्टमार्टम सहायक क्या होता है? अब कोई भी डेड बॉडी आता है पोस्टमार्टम के लिए जी, पहले मैं कागज़ देखता हूँ कौन से थाने का है, केस क्या विषय है, फिर डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे केस हमारे पास आया है पीएम के लिए, आप आ जाइए। फिर डॉक्टर आते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर के समक्ष चेक किया जाता है कि क्या हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर डॉक्टर जैसा जैसा बोलते हैं वैसा हम करते हैं पोस्टमार्टम। इधर खोलो बोलने से सिर की तरफ खोलते हैं, इधर खोलने बोलने वो जो हथौड़ी रखी हुई उसी हथौड़ी से हथौड़ी चाकू से इस्तेमाल करके खोलते हैं। खोलने के बाद फिर डॉक्टर बोलते हैं लंग्स दिखाओ, लंग्स दिखाते हैं, लीवर दिखाओ, किडनी दिखाओ, सब एक एक करके पार्ट्स दिखाते हैं, शरीर के हर अंग को हाथों से छूते हैं, अपने हाथों से निकाल करके दिखाते हैं, फिर वो लिखते हैं और कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो गई। हाँ जी। तो कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं पहले दुर्ग में था जी, दुर्ग जिला में, दुर्ग जिला अस्पताल में। हाँ, दुर्ग जिला अस्पताल में था। उस समय जो है सरकारी कर्मचारी लोग के साथ में हेल्पर टाइप का था, उस समय पेमेंट नहीं दिया जाता था। करीब 7-8 साल से उनके साथ काम किया, उसके बाद फिर जीवनदीप समिति में मुझे रखा गया, करीब 5-6 साल वहाँ भी किया। उस समय सैलरी बहुत कम था, 1,500 रुपया महीना था, 1,500 महीना। अच्छा। उसके बाद में 2016 में यहाँ आया सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, तो यहाँ फिर पोस्टमार्टम सेंटर बन गया था। तो फिर फ्रीजर वगैरह मशीन नहीं आया था इसलिए हम चालू नहीं कर रहे थे, फ्रीजर मशीन आया फिर 2020 में इसको चालू किए। 2020 से अभी तक मैं पोस्टमार्टम यहाँ पर कर रहा हूँ, डेली कभी 400 कभी 500 का पोस्टमार्टम हो रहा है। कितना साल हो गया आपको ये काम करते हुए यहाँ पर? अभी तो टोटल मतलब करीब 30 साल करीब हो गया। 30 साल जी, 30 साल से आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं जी।
तो भाई इन 3 सालों में आपने कितने सारे लोगों का पोस्टमार्टम कर लिया है? कम, अब गिनती तो मैं नहीं किया हूँ, कम से कम नहीं ना मैं लाख तो लाखों हो गया होगा, लाखों से ज़्यादा हो गया, लाख से ज़्यादा आपने पोस्टमार्टम कर लिया हाथों से। जी जैसे ये काम आप करते हैं तो इस काम में शुरुआत आपने किया इस काम को, तो जी मन में कहीं डर तो नहीं हुआ आपको? नहीं, अब क्या है वो जो सरकारी कर्मचारी काम करते थे उनके साथ हम लोग हेल्पर वगैरह हेल्प करते थे, उस समय सैलरी हम लोग को नहीं मिलता था, घर वाले परिजन वाल वगैरह आते थे उन लोग से लेते थे, वो देते थे कि भाई मेहनत कर रहे हैं, हमको बॉडी अच्छे से बना के दे रहे हैं साफ़ सफाई करके, इनको 2 पैसा दिया जाए। उसके बाद में जीवनदीप समिति में जुड़ा, तो जीवनदीप समिति में ध्रुव में 1,500 रुपये महीना देते थे, अब उस समय सस्ता का सामान जमाना था, अभी तो महंगाई बहुत है। अभी मैं रात और दिन यहीं पर रहता हूँ, कभी रात में बॉडी आ जाता है 12 बजे 1 बजे रात एक्सीडेंट हो गया फांसी लगा के, क्योंकि आज के डेट में घर में रखते नहीं सीधा यहाँ लाते हैं, क्योंकि सुविधा है फ्रीजर मशीन में रखना पड़ता है। फिर सवेरे वही फिर थाना वाले आते हैं पंचनामा वगैरह करते हैं, वही 10 बजे पोस्टमार्टम चालू करते हैं परिजन लोग के आने के बाद। अभी सैलरी वही 7,500 रुपया दिया जा रहा है। 7,500 रुपया आप लोगों को मिलता है? हाँ, 7,500 रुपया में क्या होता है तो आपको लगता नहीं 7,500 रुपये के हिसाब से बहुत कम है? अब हम दूसरे जगह अगर काम वम करेंगे तो 15-20 हज़ार मिलेगा, लेकिन क्या करें इसी को सीख गए हैं, सीख गए हैं तो हमको अब कोई डर भय वगैरह तो नहीं है। डर नहीं लगता? नहीं लगता हमको डर वगैरह, हम इसको अपना घर समझते हैं। अच्छा, घर के जैसा मॉडर्न ग्रह को अपना घर समझते हैं? हाँ, देख ही रहे हैं आप साफ सफाई का व्यवस्था कैसा है, हम साफ सफाई रखते हैं, सुबह साफ सफाई करते हैं, शाम को साफ सफाई करते हैं, फिर अपने नहाते धोते हैं, फिर प्रभु परमात्मा का प्रार्थना करते हैं, दो धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, सोचते हैं कि भाई कोई त्यौहार उहार आया तो कोई पोस्टमार्टम मत हो, हम भी त्यौहार मना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पोस्टमार्टम वो पोस्टमार्टम सेंटर बंद नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम सेंटर बंद हो गया कहाँ नहीं जा सकता, कभी 5 बॉडी आ गया या 6 बॉडी आ गए, अगर एक दिन बंद कर दिए तो दूसरे दिन बहुत सारी बॉडी इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे कोरोना वायरस के समय में इतनी बॉडी कि कितनी बॉडी आती दिन में, उस समय कम से कम दिन भरे में 12-13 बॉडी आ जाता था, रात भर सो नहीं पाता था। अकेले उन 12 बॉडी का पोस्टमार्टम करते थे? पोस्टमार्टम नहीं होता था, कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम नहीं करते थे, एक आध दो होता था तो फांसी से लगा के ख़त्म होने से उसका पीएम किया जाता था, एक्सीडेंटल होने से पीएम किया जाता था, और बाकी का तो कोरोना वायरस वालों का नहीं किया जाता था, रख देते थे प्लास्टिक झिल्ली में पैक करके मशीन में, और लोग घर वाले भी हाथ नहीं लगाते थे, कभी कभी अकेला ही उतार करके मशीन के अंदर डालना पड़ता था, यहीं पर खाना बनाओ यहीं खा के रहता था मैं, कहीं जा भी नहीं पाता था, परिजनों को देख करके खुद भी रो देता था। एक बार ऐसे ही एक सज्जन ख़त्म हुआ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बीबी, तो तीनों आ गए कोई नहीं आए, तो मैं बोला भाई देखो रोओ मत, आप रोओगे बच्चे लोगों का क्या होगा, आप एक काम करो 5 बजे आना, मैं 5 बजे आपके साथ खुद ही मुक्ति धाम जाऊँगा, संस्कार करा दूँगा। आपने उनका अंतिम संस्कार भी करवाया? हाँ, अंतिम संस्कार भी 5 बजे ले जा करके मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार कराया, उनको समझाया दिलासा दिया। ये अपना कोका एरिया का था, आज भी वो बेचारी हमको फ़ोन करके बोलती है प्रणाम, हम बोलते खुश रहो भाई। और वो उनका पति BSP नौकरी वाला था जो ख़त्म हुआ था, डिपार्ट वाले भी नहीं आए, कोई मोहल्ले वाले नहीं आए, हमने करवाया फिर उनको समझाया, देखो जमाना स्थिति ऐसे है, बाद में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जो ख़त्म होगा उसके भाई आ जाएंगे बंधु आ जाएंगे, अब आप अपना देखो बच्चे लोग को। ऐसे पोस्टमार्टम ग्रह में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हैं जी, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है जी, यहाँ की सुगंध है, आप यहाँ पे अंदर घुसने मात्र से समझ जाएंगे कि आप पोस्टमार्टम ग्रह में आ ऐसा है, एक नेगेटिव सा वाइब है यहाँ पर, तो आपको बदबू नहीं आता यहाँ पर? पोस्टमार्टम सेंटर में बदबू आता है, क्या है जब हम लोग इस शरीर को खोलते हैं तो अंदर जो गैस रहती है वो निकलता है, वो इसी वजह से शरीर को आप चीरते हैं उसके अंदर गैस निकलती है, हाँ वो क्या हमारे अंदर आता है, तो हम लोग क्या है शाम को शराब पीते हैं, कभी कभी 10 दिन 5 दिन 4 दिन पुराना बॉडी आ जाता है, बदबू रहता है, कीड़ा लगा रहता है, तो उसमें अल्कोहल हमको उपयोग करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब अगर आप शराब का सेवन नहीं करेंगे तो वो जो हमारे अंदर नुकसान ही पैदा हो जाएगा। अच्छा,
तो आमतौर पर अगर आप पोस्टमार्टम करते हैं, शरीर को चीरते हैं, तब आप शराब का सेवन करते हैं? जी थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि अंदर गैस रहता है, खोलते हैं गैस आता है, क्योंकि मैं शुरू से मास्क वगैरह मैं लगाता नहीं। अब मास्क इस्तेमाल मास्क लगाऊंगा तो फिर डॉक्टर को बताऊंगा तो वो सुन नहीं पाएंगे। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये है क्योंकि डॉक्टर को एक एक आप बता रहे हैं काशी जी कि आप मास्क नहीं लगाते हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाता जो आप पूरे लॉकडाउन में नहीं लगाया, बॉडी खोलते हैं तो कीटाणु आपके नाकों के अंदर से नहीं, वो थोड़ा बचत करते हैं, हमको आइडिया हो गया है, बहुत दिन से करते आ रहे हैं कैसे अपने आप को सुरक्षा करना है। जनता बाहर में खड़ी है उनको सुरक्षा देना है, तो उसमें केमिकल वगैरह डालते हैं जो घर वालों से मंगाते हैं, केमिकल आता है, ये स्प्रिड है, फार्मालिन है, ये सब हम लोग डालते हैं ताकि बॉडी को अच्छा से बनाए। जो सारा सामान लगता है, काटन पट्टी वगैरह, कपड़ा, कफन कपड़ा वगैरह, सब घर वालों से मंगाते हैं, सरकारी नहीं दिया जाता, घर वाले लाते हैं, तो उस बॉडी को ऐसा बनाते हैं हम अच्छा से ताकि घर में ले जाए तो देखें, और घर में देखेंगे लंबा चौड़ा कटा पीटा खून वगैरह, तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, कोई बीपी का पेशेंट है या कोई कुछ है उस टाइप का देखेंगे तो वो तुरंत उनको अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए अच्छे से बॉडी बना के देते हैं ताकि घर में ले जाएं दिखाएं और ऐसा ना लगे कि चीरफाड़ हुआ है। नहीं तो हम लोग का काम है बस चीरफाड़ किए, सिलाई किए, बांध के दे दी, ऐसा है। तो इसलिए क्या घर वालों को समझाता हूँ, भाई देखो बॉडी घर ले जाओगे, बच्चे लोग भी आ जाते हैं, भीड़ होता है तो अरे क्या भीड़ लगा है, बच्चे भी घुस करके देखने चालू कर देते हैं, तो किसी को डर पैदा ना हो, बॉडी से भी कोई इन्फेक्शन किसी को ना हो, इसलिए सब सामान मंगाते हैं और बॉडी अच्छे से बना करके देते हैं, क्योंकि ख़त्म सबसे ज़्यादा जहरीला इंसान है, इंसान का शरीर है, इंसान के अंदर कीड़ा लग गया तो 3 फीट उड़ता है, बहुत खतरा है, इसलिए क्या है हम लोग सावधानी से करते हैं। अब बाहर में लोग खड़े हैं उनको क्या मालूम कि अंदर में क्या स्थिति, चिल्लाते रहते हैं, हल्ला करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा नहीं है आराम। परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर आते हैं, वो बाहर हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी का काम नहीं है, पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, डॉक्टर को भी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डॉक्टर को भी एक एक चीज़ देखना है, मेरे को बताना है उनको, क्योंकि बाद में जो डेथ हुआ उनके घर वालों को प्रॉब्लम ना हो, भाई रिपोर्ट के स्थिति में ही उनको मुआवजा वगैरह सब मिलता है। लोग तो हल्ला करते रहते हैं बाहर में, कोई इसको फ़ोन कर देगा, कोई उसको फ़ोन कर देगा, लेकिन बाद में घर वालों को प्रॉब्लम होता है जब रिपोर्ट मिलता है, अब घर वाले को दौड़ धूप करना पड़ता है। जैसे कोई आम आदमी होता है वो अगर लाश को देख लेता है या फिर कटे पटे लाश को देख लेता है तो वो उल्टी कर लेता है, कभी आपको ऐसा हुआ हो कि आप उल्टी कर लिए हो? नहीं, हमको तो शुरू शुरू में हुआ था, जब शुरू स्टार्टिंग शुरुआती दौर में आपको उल्टी होता था, थोड़ा सा लगता था, तो वो हमारे मामा करके थे, वो हमको दिलासा दिलाते थे, वो उन्हीं के साथ रहता था, फिर सीख गया धीरे धीरे, अब सीख गया, इसी का लाइन में है, अब चलो आज नहीं तो कल सरकारी का नौकरी होगा, आज नहीं तो कल परमानेंट करेंगे बोल के कर रहे हैं। 30 साल से आप काम कर रहे हैं, 30 साल हो गया हमको करते, नहीं हो पाया। क्या है शुरू शुरू में जो है 10-12 साल तो ऐसे ही सेवा दिया, घर वाले आते थे देखते थे भाई अच्छे से बना देना, अच्छा साफ सुथरा, कोई आज भी आप सेवा ही दे रहे हैं, मेरा ये मानना है 7,500 में अगर किसी को हम कहें कि आपको कुछ नहीं होता भाई, लाश को छूना है या लाश को चीरना है तो मेरे हिसाब से कोई तकल्लुफ नहीं करेगा कि हम उस लाश को छुए भी। अब वो ये घर वाले आते हैं किसी से 200 किसी से 300 मांगते हैं, उससे हम लोग का शाम का गुजारा हो जाता है, पेमेंट से घर से घर का राशन भर जाता है और कुछ नहीं है। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, सबका शादी हो गया है। तो आप चाहेंगे कि आपके लड़के भी ये काम करें? एक लड़का कर रहा है मेरा, मैं यहीं ट्रेनिंग दी है हम लोग। अच्छा, अपने बच्चों को? हाँ, मेरे से मेरा मतलब दूसरे नंबर का लड़का है, अजय कुमार डग्गर नाम है उसका, उसको यहीं 1 साल ट्रेनिंग दिया, मैं साथ में रखा, उसके बाद उसको दुर्ग में भेजे हैं, दुर्ग में रखे जीवनदीप समिति में, 3,000 शेयर ली। तो लड़का मेरे को फ़ोन किया, पापा मैं नहीं करूँगा 3,000 रुपया में, मतलब बेटा तुम सीख गया हो, तुम करो, सेवा भी है, जो अच्छे लोग हैं तुमको बुला करके खुद ही देंगे, उनको समझ में आता है कि भाई ये हमारे प्रति अच्छा हमको बना के दे रहा है, बॉडी वगैरह अच्छा। शुरुआत में जब आपने अपने बेटे से कहा कि आपको लाश चीरना है तो वो व्याकुल नहीं हुआ? वो अंदर मैं बुला के दरवाज़ा बंद किया ना, तो
वो हट गया डर के, माला बेटा डरो मत, देखो हम कैसे खड़ा कर रहे हैं, ऐसा उसको खड़ा करके दिलासा वगैरह दिए। वो थोड़ा बहुत लगता है, फिर वो घर गया शाम को, खाना उना नहीं खा रहा था। हम उसकी मम्मी फ़ोन की तो हम पहुँचे, फिर उसको हम समझाए, फिर उसको दवा बोले, दवा का उपयोग कर लो तुम, खाना खा लो और कल फिर आ जाओ। वो दूसरे दिन फिर पहुँच गया। उन्हें एक साल तक ट्रेनिंग भी किया यहाँ, उसके बाद दुर्ग जिले में भेजे हम और कता पड़ा तो 3000 पेमेंट में वो वहाँ काम चालू किया है। तो एक दिन फ़ोन करके मेरे को बोला, पापा मेरे को ये 3000 में काम नहीं जम रहा है, माला बेटा देखो सीख गए हो तो करो, सेवा करना है, सेवा दे रहे हो, वो सब देख रहे हैं भाई, 1000 पब्लिक इकट्ठा हुआ है, 1000 में 25 तो बेकार बातें करेंगे ही, 75 तुम्हारा भलाई का बात करेंगे, ऐसा समझाया तो वो काम चालू रखा है। तो आज फोन किया था मेरे को, बोले उधर खाली है तो इधर आ जाओ, माला नहीं मेरे जगह में कभी भी पड़ जाता है ज़रूरत। अभी देखे ना 3-4 276 का सील लगवाने आए, तो कब यहाँ पर आदमी आ जाए कहाँ, कोई भरोसा नहीं, इसलिए यहाँ पर से हटना नहीं पड़ता। वही सुबह 2 घंटा घूमने फिरने जाता हूँ, शाम को 2 घंटा बाकी यहीं रहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जब अकाल मृत्यु होती है जी, कोई गाड़ी चला कर जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, कार से जा रहा है जी, और उसकी मतलब एक्सीडेंट में उसकी जान चले जाए जी, तो उसका आत्मा उसके शरीर को ढूंढता है जी, शरीर पर वापस प्रवेश करना चाहता है जी। जब वो लाश यहाँ पहुँचती है तभी, कभी आपने किसी परछाई को देख लिया हो, किसी रूह को देख लिया हो आपने? नहीं, ऐसा तो मैं देखा नहीं भाई, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन हम तो देखे नहीं आज तक। अब जैसा वो एक्सीडेंट वगैरह बॉडी आता है तो तुरंत तत्काल हम लोग मशीन में नहीं डालते, थोड़ा 10-15 मिनट बाहर उसको हम लोग रखते हैं, उसके बाद में सारे परिजन आ जाते हैं, जैसे आसपास का हुआ सारे परिजन आते हैं, उनको दिखाते हैं भाई देख लो, उसके बाद मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद खोलते नहीं। जब सुबह जिस थाने क्षेत्र का है वहाँ के पुलिस कर्मचारी आते हैं पंचनामा के लिए, तभी मशीन से बॉडी को निकालते हैं, बार बार खोल करके मशीन से बॉडी दिखाते नहीं। आपको रात में सपना नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं, बस प्रभु है, परमात्मा है भाई, वो है तब तो हम लोग हैं ना। अब वही आपने बताया कि अब रात में यहाँ सोते भी हैं जी, ये बगल वाले रूम में सोता हूँ क्या कि रात में अगर किसी आम आदमी को हम बोले कि आपको लाश ग्रह में सोना है तो वो पागल हो जाएगा, वो चिल्लाने लगेगा। हर किसी की बस की बात नहीं है। अब लोग एक आधा घंटा के लिए आते हैं तो वो कुछ और सोचते हैं, अरे कुछ नहीं है, चलो यार हमको देखना है, हमको देखना है, देख हम समझाते हैं, देखो भाई हमारा हमेशा एक आदत है, आप देखोगे कुछ हो गया तो कई लोग समझ जाते हैं, बाहर में बैठते हैं, कई लोग हुज्जत करते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बहुत सारे बॉडी रहते हैं तो मैं बोल देता हूँ भाई बाहर में मैं करता हूँ खुले आम पोस्टमार्टम देख लेना, बोल रहा हूँ आप चुपचाप बैठ जाओ। तो कई लोग क्या है उजड़ करते नहीं देखना है, मैं नहीं दिखा सकते भाई, क्या पोस्टमार्टम के समय घर वाले या किसी को भी हम लोग अंदर नहीं आने देते, क्योंकि अब वो बोल दिया मेरे को देखना है, अब मान लो खड़ा हो गया चक्कर खा के गिर गया, कुछ हो गया तो वो जवाबदारी बात है, इसलिए किसी को हम अलाउ नहीं करते। ये काम करने के लिए दिल बहुत कठोर होना चाहिए। हाँ, कभी कभी तो ऐसा केस आता है, डेड बॉडी आता है, हमें जो कपड़ा पहने हैं इसको उतार के फेंकना पड़ता है, कितना भी साबुन लगाएंगे बदबू नहीं जाएगा। जैसे 5-6 दिन मर करके पड़ा है, उसको लेके आते पीएम के लिए, अब उसको खोलना है, डॉक्टर खड़ा है, एक एक को देखना है, चेक करना है भाई मरा पड़ा था, किसी ने मार के तो नहीं फेंक दिया, किसी ने कुछ तो नहीं, वो पूरा तहकीकात चेकना चेकिंग करना पड़ता है, इसीलिए केमिकल वगैरह पहले बॉडी में डालते हैं हम लोग, वो खर्चा घर वालों को देना पड़ता है। और ज़्यादा जैसा डाउट केस रहता है तो हम लोग पहले रायपुर रिफ़र करते थे, अभी नांदगांव रिफ़र करते हैं, जिस केस में ज़्यादा डाउट रहता है हम लोग से नहीं बन पाता तो हम लोग नांदगांव रिफ़र कर देते हैं, पहले रायपुर रिफ़र करते थे। अब अभी तो बहुत डॉक्टर की कमी भी चल रही है, बीच में डॉक्टर का कमी नहीं था तो सड़ा गला जो केस आता था यहीं पीएम करते थे हम लोग, अभी भी करते हैं, और ज़्यादा मतलब डाउट केस रहता है तो उसको हम लोग रिफ़र करते हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपको, सरकार क्या कह रही है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए सरकारी नौकरी दें,
भाई हम देख रहे हो इतना खतरे का काम कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, हम डेली चीरफाड़ करते हैं, हमारे जगह में अगर सिंपल आदमी खड़ा हो जाए तो एक हफ्ते में बीमार हो जाएगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन हम लोग का क्या है, हैबिट हो गया है, हम कैसे वो मतलब शरीर को खोल रहे हैं तो उसके अंदर से जो निकल रहा है उसको हमको उससे बचत कैसे करना है, इसलिए हम लोग केमिकल वगैरह डालते हैं कि ये सेवा जब तक जीवित हैं हम दें। अब वही आशा में कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमको भी सरकारी नौकरी हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल में भी बहुत से कर्मचारी हैं, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000 में नौकरी कर रहा है आशा से कि आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी हो जाएगा। बस यही चल रहा है, हम भी आशा में हैं आज नहीं तो कल हमारा भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो दो पैसा हम अपने बाल बच्चे लोग को दें और अच्छा सा हमको मकान मिले बना करके सरकार दे। अब क्या चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी इस काम में रहे या ना रहे? अब मेरे तो मैं ये मेरा एक लड़का है उसको तो मैं सिखा दिया, वो कर रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई मतलब बाल बच्चे के बाल बच्चे लोग ये काम करें। आप नहीं चाहते हैं? नहीं चाहता, क्योंकि ये काम में हम घर परिवार में भी नहीं जा सकते। अब देखो अभी खाली समय है, अब हम चले गए दुर्ग में कोई कार्यक्रम है, हमारे रिश्तेदार है वहाँ चले गए, फट से फोन आ जाएगा, हम डेड बॉडी लेके खड़े हैं, तुम घूम रहे हो, धमकी चमकी, ऊपर से फोन आ रहा है, ये तो हमको यहाँ टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या है, हम कर लिए, अब हमारे आने वाला पीढ़ी मत करे काम, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलना है। लॉकडाउन के समय पिताजी ख़त्म हुए, हम भाटापारा रातों रात गए, रातों रात यहाँ आ गए, दूसरे दिन हमको पोस्टमार्टम सेंटर। आपके पिताजी खत्म हुए, आप रातों रात गए, वापस आ गए, तुरंत सुबह पोस्टमार्टम सेंटर खोल दे, पत्नी ख़त्म हो गई, तुरंत गए उनका अंतिम संस्कार वगैरह किए, दूसरे दिन पीएम सेंटर खोल दिए। भाई हमको प्रॉब्लम है तो चलेगा, लेकिन बाकी जनता को प्रॉब्लम ना हो, पेपर भी आउट हुआ था, ऐसा स्थिति है। ये पोस्टमार्टम सेंटर एक बार खुल गया कहीं पर भी तो वो बंद नहीं हो सकता। उम्र क्या होगी आपकी? मेरा अभी उम्र है 52। 52 साल के? 52 साल। तो ये 52 साल के काशी जी हैं, और ये एक काशी की कहानी नहीं, ये ऐसे भारत में बहुत सारे काशी हैं जो ऐसे ही पोस्टमार्टम गृह में लोगों की शरीर के साथ उन शरीर को अपने हाथों से छूते हैं, उस मृत शरीर की ऑर्गन्स को अपने हाथों में पकड़ते हैं और उसे सही ढंग से सिल के वापस उनके परिजन तक पहुंचाते हैं। और अब यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर मैं बस आधे ही घंटे से खड़ा हूँ, आधे ही घंटे से मैंने काशी जी से बात की है और मेरे सर में एक अजीब सी दर्द होने लगी है। यहाँ की जो सुगंध है, यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ का जो वातावरण है, वो शायद आपको पागल और विचलित भी कर सकता है। मेरे पीछे कैमरे के पीछे फैजान हैं, उनके चेहरे से भी ये साफ नज़र आ रहा है कि वो भी थोड़े व्याकुल से हैं और आप पसीना देख पा रहे होंगे। अब आप डर कह सकते हैं इसे, या फिर उनकी बातें सुनकर के मैं सहम चुका हूँ आप कह सकते हैं। और सरकार ऐसे लोगों को महज 7,500 रुपये देती है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से कहूँ जो बेरोज़गार है कि आपको 7,500 रुपये में एक लाश को छूना है, बस आपको लाश को छूना है, तो शायद आप एक शब्द में ना कहेंगे। उसके बावजूद काशी जी अपने एक छोटे बेटे को भी इस काम में बेड़ लगाते हैं, उसे भी ऐसा ही काम सिखाते हैं, मगर वो चाहते हैं कि आने वाली उनकी पीढ़ी इस काम से दूर रहे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, अगर आपको काशी जी की कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं।